और अब बात आज राहुल गांधी की करेंगे, जी हाँ, जम्मू कश्मीर की करेंगे। वहां पर राहुल गांधी कश्मीर में लाल चौक पर बदली बदली सी तस्वीर, बदला कश्मीर, खुद राहुल गांधी की तस्वीर बता रही है। धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया है और शांत सिटी बनाया। कांग्रेस इसमें आपके साथ है। सुनिए, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। श्री राहुल गांधी जी ने जो बड़े शांतपूर्ण माहौल में आइसक्रीम का लुत्फ उठाया है, ये मोदी साहब के प्रयासों का नतीजा है। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी है। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त कश्मीर में हैं। आज ये मुलाकात हुई, आज वो नेताओं के साथ आम लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान, गठबंधन के लिए कैसे चल रही है तैयारियां, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ना आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आज ये तस्वीर आल की बैठक की है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि गठबंधन जो है वो तय हो चुका है, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है। अच्छा, ये वो तस्वीर आ गई, ये तस्वीर देखिए। अब ये राहुल गांधी आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाते हुए दिख रहे हैं। आप कहेंगे इसमें क्या खास है साहब, आइसक्रीम खा रहे हैं? खास आइसक्रीम या रेस्टोरेंट नहीं है, जगह है लाल चौक, श्रीनगर का लाल चौक, आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए राहुल गांधी। अब सोचिए, वही लाल चौक है जो कभी अलगाववादियों का अड्डा हुआ करता था, वही लाल चौक जो कभी दहशत में रहा करता था, वही लाल चौक जो ग्रेनेड के हमलों से लहूलुहान हुआ करता था। आज उसी लाल चौक के एक रेस्टोरेंट में देर रात आइसक्रीम खाई जा सकती है, आइसक्रीम का लुत्फ उठाया जा सकता है। आपको ना राहुल गांधी की करीब डेढ़ साल पहले की भी एक तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ तो राहुल गांधी आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं लाल चौक पर। लोग कहते हैं कितना बदला कश्मीर, क्या है तस्वीर, लोग सवाल उठाते ना। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ। अच्छा, ये देखिए, दो तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाई, इन दोनों तस्वीर। अच्छा, ये देखिए आप, 2023, अब लोग कहते हैं कि क्या बदला कश्मीर में। अब राहुल गांधी खुद अपनी तस्वीरों से बता रहे हैं, अच्छे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, कि कश्मीर में शांति लौटी है संभवतः, और वहां पर मतलब दोनों भाई बहन बर्फ के साथ खेलते नजर आए। अगर और ये बदलाव आया है उस धारा 370 के खत्म होने से, जिसे वापस लाने की कस्में इन चुनावों में भी ली जा रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि हम 370 की बहाली कर देंगे, लेकिन जनवरी 2023, अगस्त 2024 लाल चौक में आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए राहुल गांधी, और इससे पहले वहां पर बर्फ के गोले का आनंद लेते हुए राहुल गांधी। लेकिन अभी ये मुलाकात आज की। दो दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, 370 को फिर से बहाल करने का वादा किया, जिसका इन चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन आज तय हो गया। कांग्रेस अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी साथ साथ। कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, इसका ऐलान कर दिया गया। यही नहीं, कांग्रेस इन चुनावों में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ भी समझौता करने की कोशिश कर रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर खड़ा एतराज है, लेकिन खबरों के मुताबिक अगर पीडीपी इस गठबंधन में शामिल नहीं भी होती तो भी कांग्रेस महबूबा की बेटी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, साथ ही कुछ सीटों पर वो फ्रेंडली फाइट करेगी। पीडीपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया, लेकिन 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों के दौरान पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में 370 को की बहाली का वादा किया था। अब कांग्रेस पार्टी भी क्या 370 की बहाली के साथ है? मतलब ऐसे में सवाल तो है ना ये कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 बहाल करने की पक्षधर है, क्योंकि गठबंधन एनसी के साथ है। सिर्फ 370 ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस जमाते इस्लामी संगठन की भी समर्थक है जिस पर पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया था। उमर अब्दुल्ला जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर चुके हैं। वहीं संगठन पर केंद्र ने इस साल फरवरी में फिर से आतंकी यूएपीए के तहत
यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया और इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस भी ऐसे संगठन से प्रतिबंध हटाने के पक्ष में होंगे, इसकी सफाई शायद समर्थन राहुल गांधी को देनी होगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।